बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टिप्स में वेलकम। आज हम बनाएंगे चिकन जलफ्रेज़ी। हमने ना तवे पे ऑयल ले लिया, ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लेना है। दो अंडे ले लेने हैं और उन्हें सादा ही फेंट के आमलेट बना लेना है। आमलेट बना के हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम देसी में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, शिमला मिर्च बारीक काट लेंगे। सब्जियां पहले काट लें तो बड़ी आसानी पैदा हो जाती है इस चीज़ में। शिमला मिर्च डालेंगे और प्याज, इसी तरह प्याज भी ले लेंगे। इन्हें हल्का सा सी रखना, हमें हल्का सा बस ऐसे करना है ब्राउन। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। उसी देसी में हम ऑयल ले लेंगे आधी प्याली और फिर हम उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे हम इसका कच्चापन खत्म करेंगे। एक प्याली बोनलेस चिकन, उसको हम क्यूब में काट लेंगे छोटा छोटा सा, ये ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक किया करें, शेयर किया करें और मुझे फीडबैक दिया करें मेरी वीडियो कैसी है, आपको खाने टेस्टी लगते हैं। आप ट्राई करती हैं उन्हें। चिकन को हमने भून लिया अच्छी तरह से, ये देखें इसका वाइट सा कलर हो गया, बस यही हमें चाहिए, हल्का सा ब्राउन और वाइट। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून काली मिर्च। एक प्याली पानी और 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ढांप देंगे ताकि चिकन गल जाए। चिकन तकरीबन हमारा जो है ना वो गल गया। अब इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 4 टेबलस्पून केचप। ऐड करके फिर हम इसे ना 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। अब थोड़ी सी मैंने ग्रेवी रखी है इसमें, ठीक है, मुझे इतनी पसंद है। और इसमें अब हम टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही शिमला मिर्च और प्याज जो हमने पहले ब्राउन किया। अंडा ऐड करेंगे, इसको मैंने इस तरह क्यूब में काट लिया, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखना। खुश रहो।